एक सलवात पढ़ दें मिलजुल के मोहम्मद परवरदिगार आलम अपनी जान में मुकम्मल मुसद्दिका किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है वाइज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फतमहुन आला इन्नी जाइलु लिन्नास इमामा आला व मिन ज़ुर्रियती आला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन। और इब्राहिम वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने इब्राहिम का इम्तहान चंद कलिमात के जरिए लिया और इब्राहिम अपने इम्तहान में कामयाब उतरे तो परवरदिगार आलम ने कहा इब्राहिम हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। फौरन इब्राहिम ने कहा ताला व मिन ज़ुर्रियती मेरी ज़ुर्रियत से, तो फौरन परवरदिगार आलम ने कहा ताला ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन इब्राहिम हाँ मगर ये ओहदा ज़ालिमीन के लिए नहीं है। कहा किससे जा रहा है? अपने हबीब से। कहा किससे जा रहा है? के वो मेरे आमना के लाल अब्दुल्ला के यतीम। इस कौम बनी इसराइल को वो वक्त याद दिलाओ जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तहान लिया। अजीज़ान मोहतरम बिल्कुल मैं उलझाने की बात नहीं करूँगा, बहुत जल्दी जल्दी अपने मौजू को समेटते हुए आपकी पाकिजा समातों के हवाले जुमले करता चला जाऊँगा। बिरादरान ईमानी देखिए, इधर
कहा जा रहा है कि आमना के लाल, अब्दुल्ला के यतीम, फ़खरे आदम, फ़खरे मूसा, फ़खरे ईसा, फ़खरे याकूब, इल्म लदुन्ने के मालिक, तेरी वजह से पूरी कायनात को पैदा किया, तू ना होता आदम को पैदा न करता, तू ना होता इब्राहिम को पैदा न करता, तुझे पैदा करना मकसूद नहीं होता, कायनात को पैदा न करता, ये चमचमाते हुए सितारे, ये लोहो कलम, ये अर्शो कुर्सी, ये फर्श, ये जन्नत, ये लोह, ये कलम, ये कुरान, ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये खुल्लत, ये ज़ोहर, ये खुल्लत, ये जो कुछ भी है मेरे हबीब तेरी वजह से तो पैदा किया है। और मेरे हबीब जरा इस कौम बनी इसराइल को वो वक्त याद दिला दे, मैं कहूँगा ए परवरदिगार वो वक्त कौन सा है, इब्राहिम कब आए, कब तूने इम्तहान लिया, तेरा हबीब तो आज आया है, कहा तुझे मालूम नहीं जब कुछ ना था ये मौजूद था, जब कुछ जात न थी मेरा मोहम्मद था, आदम ना थे मोहम्मद था, इब्राहिम ना थे मोहम्मद था, मूसा ना थे मोहम्मद था, याकूब ना थे मोहम्मद था, हूद ना थे मोहम्मद था, शीश ना थे मोहम्मद था, तौरात ना थी मोहम्मद था, ज़बूर ना थी मोहम्मद था, इंजील ना थी मोहम्मद था, अर्श ना था मोहम्मद था, कायनात ना थी लेकिन मौजूद है मोहम्मद था। सलावत पढ़ते मोहम्मद आल मोहम्मद, हैदरी अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मोहतरम आप साल भर तक जोगीपुरे के पोस्टर का इंतजार करते हैं, अरे और जैसे ही जोगीपुरे का पोस्टर शाया हुआ पूरी मजमे की ताकत के पूरे परवरदिगार आलम आपको इस समातों के हवाले वो जुमला अदा कर रहा हूँ, इधर पोस्टर शायर हुआ, इधर हुसैन के जाने वाले शमा की रोशनी के नीचे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, अरे ये हुसैन के जाने वाले हैं, वो तुम्हारे बाप दादा थे, रसूल पुकारता रहा ये भागते रहे। सलावत पढ़ते मोहम्मद आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। इब्राहिम आप उस वक्त को है मेरे हबीब इब्राहिम का वो वक्त याद दिला जब इब्राहिम का इम्तहान कंचल्द का चंद कलमात के जरिए लिया, और इब्राहिम जैसे ही अपने इब्न हम्द के कामयाब उतरे परवरदिगार आलम ने कहा इन्नी जाएलो का लिन्नास इमामा, इब्राहिम बस तुम लोगों के इमाम हो, कोई कुरान नहीं कहता, कोई किताब नहीं कहती कि ये कहो कि इब्राहिम हम तुम्हें पूरी कायनात का इमाम बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कायनात के इमाम में और लोगों के इमाम में फर्क होता है, भरपूर तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, कायनात के इमाम में और लोगों के इमाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब लोगों का इमाम मुसल्ले पे आता है तो अपनी खोई हुई चीज़ों को याद करता है, जब अमीर कायनात मुसल्ले पे आता है तो उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके पैर से तीर कब निकल गया। जब लोगों का इमाम ज़मीन पे कदम रखता है उसकी मंजिलत कुछ और होती है, जब अमीर कायनात ज़मीन पे कदम रखता है उसकी मंजिलत कुछ और होती है, जब लोगों के इमाम आंखें खोलते हैं तो दाया उनको आँख खुलाने पे मजबूर करती है, लेकिन जब अमीर कायनात आंखें खोलता है तो रसूल पे नज़र डालता है। जब लोगों का इमाम दुनिया में पैदा होता है तो गिलाजत भरा पैदा होता है, लेकिन जब अमीर कायनात पैदा होता है तो आगोशे रिसालत में आता है। और जब लोगों का इमाम बेहतरीन तवज्जो दीदाने मोहतरम बस आप शुरू हो गए और बस मजलिस मैं तमहीदी मंजिल पर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मजलिस में वो तमहीदी क्या, मजलिस तो खुद बामे उरूज पे पहुंचती है जहां पर मेरा अली होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद, जब लोगों का इमाम आंखें खोलता है उसकी मंजिलत कुछ और होती है, जब लोगों का ही मतलब कायनात का अमीर आता है
और जब लोगों का इमाम आंखें जमीन पर आने के बाद लब कुशाई करता है उसकी मंजिलत कुछ और होती है, लेकिन जब अमीर कायनात पैगंबर के हाथों पर आता है तो कहता है या रसूल अल्लाह तौरात पढ़ूं, या रसूल अल्लाह इंजील पढ़ूं, या रसूल अल्लाह ज़बूर पढ़ूं। पैगंबर इस्लाम कहते हैं ए अली जुबरी ए अली तौरात साहिब तौरात से बेहतर पढ़ी, ए अली इंजील साहिब इंजील से बेहतर पढ़ी, ए अली ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर पढ़ी, और कुरान बिल्कुल मुझ जैसा पढ़ा। इसका मतलब यह है पढ़ा उसके सामने जाता है जो पहले खुद पढ़ा हुआ हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। पढ़ा उसके सामने जाता है जो खुद पढ़ा हुआ हो। लोग एतराज करते हैं कि नबी के सामने पढ़ा, किसके सामने? अबू तालिब ने पढ़ा। अबे बेवकूफो, अबू तालिब ने तो ऐसा पढ़ दिया कि तुम आज तक उसके पढ़ेवे पे चल रहे हो। भाई अबू तालिब ने तो ऐसा कहा, किसके सामने पढ़ा? भाई पढ़ा तो उसके सामने जाएगा जो पढ़ा हुआ हो। आप सच बताइए पैगंबर इस्लाम ने किसके सामने पढ़ा? कोई तारीख हो अबू तालिब के अलावा तो बताओ। इसका मतलब यह है पढ़ा उसके सामने जाता है तो जो पढ़ावा हो या उसके इक्वल हो बराबर हो, भाई उसी के सामने तो पढ़ा जाएगा। अब अबू तालिब से कोई ज्यादा पढ़ावा हो भाई कोई हो तो बताओ कि अबू तालिब उसके सामने पढ़े। छोटे ने अबू तालिब के बेटे ने मोहम्मद के हाथों पर पढ़कर बता दिया, अरे जिसका बेटा इतना पढ़ावा है सलावत पढ़ दे हैदरी। सलामत रखे अज़ीज़ान मोहतरम। आज दुनिया इतराज़ करती है, अली के नारे लगवाते हैं, अली अली करते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है ये हमारी माओ के किरदारों की जमानत है, क्योंकि हमारी माँ पाक, हमारा ख़ानदान पाक, हमारे अहल-ओ-आल पाक, हमारी शियत पाक, हमारा मरकज पाक। अरे जो पाक होता है वो अली का नारा लगा।
कुरान पढ़ के दे, कहानी अली की है। पढ़ने की बात है, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ने में और रटने में फ़र्क होता है, जैसे हाफिज में और मुहाफिज में फ़र्क होता है, जैसे हाफिज में और मुहाफिज में। भरपूर तवज्जो दीदाने मोहतरम, हाफिज और होते हैं, मुहाफिज और होते हैं। अभी आपने 6 महीने पहले खबर पढ़ी होगी कि पुतिन साहब रूस के राष्ट्रपति ईरान गए। नसीम भाई खूब जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह आजकल दौरे पे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अपने साथ पूरे काफिले वालों को, हिंदुस्तान वालों को, इन्होंने एक आजम अपने अंदर पैदा कर लिया है, एक इरादा पैदा कर लिया है कि मैं पूरी कौम के बच्चे बच्चे के अंदर में इंशाल्लाह ऐसा भलवला पैदा करूंगा, ऐसा जोश पैदा करूंगा जो हर बच्चा चाहेगा कि मेरे साथ चल के करबलाए मोहल्ला में जियारत करे। अजीजाने मोहतरम सुनिए, अभी मैं क्या कह रहा था, हाफिज और होते हैं, मुहाफिज और होते हैं। पुतिन साहब ईरान के राष्ट्रपति खामनेई साहब के पास पहुंचे और खाली हाथ नहीं पहुंचे, बल्कि अपने साथ में बहुत पुराने जमाने का एक कुरानी नुस्खा लेकर गए। मैंने कहा पुतिन साहब कुरान के हाफिज तो बहुत ज्यादा हैं, आपने सऊदीया क्यों नहीं कुरान पहुंचाया? तो उन्होंने कहा मौलाना आप नहीं जानते, जो चीज जिसकी होती है, हाय 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 हाय, नहीं नहीं ऐसे नहीं अजीजाने मोहतरम, ऐसे बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपने ऐसे ठंडे माहौल में पसीना यहाँ से निकलवा के यहाँ तक ले आए हैं। आप एक सलवात का सहारा दें फिर आगे बढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। जब वो, मैंने कहा आपने वहां क्यों नहीं पहुंचाया? कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है, हक वहीं पहुंचता है जहां हकदार होता है। मैंने कहा वो तो बड़े ठेकेदार बनते हैं। कहा ठेकेदार बनना और है, असली वारिस बनना और, असली वारिस बनना और है। पुतिन साहब ने कुरानी पूरा नुस्खा देकर यह साबित कर दिया, अगर कोई कुरान का वारिस है तो वो सिर्फ ईरान है, सिर्फ ईरान है। और उन्होंने दे दिया, और फौरन फिर एक जुमला कहा अज़ीज़ाने मोहतरम के हाफिज और होते हैं, मुहाफिज और होते हैं। ये हाफिज कुरान नहीं है, ये हाफिज के साथ साथ मुहाफिज भी है, ये हाफिज के साथ साथ मुहाफिज कुरान यही है। क्योंकि हमने बड़ी बड़ी तारीखों में पढ़ा है, हाफिजों को भी हमने देखा है, जब जान पे पड़ जाती है तो कुरान को नोके नेजा पे बुलंद कर देते हैं और कहते हैं बस कुरान की हिफाजत में आ गए। लेकिन मुहाफिज वो होता है जो कुरान के नेजे पर अपना सर तस्लीम कटवा के खुद तिलावत करके बताता है, काटना तुम्हारा काम है, हिफाजत करना मेरा काम है। काटना तुम्हारा काम है, सरों को तुम काटे जाओ, और काटना तो तुम्हारा पुरानी आदत है। कब तक काटोगे, कब तक बम ब्लास्ट करोगे? करते रहो, तुम करते करते मर जाओगे, हम मरते मरते जिंदा रहेंगे। कितने मारे दीदाने मोहतरम, कितने बम ब्लास्ट किए कि ये शिया जो है करबला ना जाने पाए। आप सच बताएं, शियों ने शहीद होकर साबित कर दिया करबला हमारी है, हम करबला के हैं। तुम मारते मारते थक गए, 10 करोड़ या 7 करोड़ का मजमा सरजमीन इराक में पहुंचा, सब वापस वतन खैरियत से लौटे, 32 लाख हज पे गए, न जाते कितने भगाड़ों के सामने मर गए। मरे कहां पर? कहा जहां पर कंकरी मारी जा रही थी। कहा कंकरी क्यों मारी गई? कहा यहां पे 3 जगह शैतान ने बहकाया,
कहां पर? तीन जगह। मैंने कहा भैया तीन का लफ्ज क्यों लाए? यहां पर अल्लाह कह देता कि पांच रख लो, सात रख लो। कहा तुझे मालूम नहीं, तीन ही जगह फेंकाया था तो तीन ही सुकून खड़े हुए हैं। हाय 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 हाय। अच्छा मैंने कहा भैया इतनी बड़ी दाढ़ी है, जरा ख्याल करो का मौलाना अरकान हज में से है, अगर तीनों पे न मारा तो हज बातिल। मैंने कहा देख लो का मौलाना देख लिया, ये भी अपनी अपनी किस्मत है कि कहीं पर तीन पे पत्थर मारे जाते हैं और चौथे को चूमा जाता है। भाई अपनी अपनी किस्मत है कि नहीं है? यहां तीन पर पत्थर मारे गए और चौथे पे आके क्या किया? कम अब पत्थर मारो, पत्थर ही नहीं बल्कि जूती चप्पल जो भी होता वही मार देते हैं गुस्से में। हमने कहा क्यों गुस्सा आ रहा है? कहा इन्होंने बड़ा काम बिगाड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ जायज हुआ ना कि जो काम बिगाड़ता है पत्थर जूता कुछ भी हो उसके लानत का तौर डाल दिया जाता है। अब हमसे नौ रबीउल अव्वल को ना पूछना क्यों मारा। अरे जब अहले बैत के मुकाबले पर आया तो पत्थर भी मारो चप्पल भी मारो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जो भी है जो भी आता है मुकाबले पर और वो सबूत देते हैं दीदाने गिरामी अपनी माओ के कैरेक्टर का, जिनकी माए पाक हैं वो अहले बैत के करीब आती हैं और जिनके माओ के कैरेक्टर अच्छे नहीं है वो हमेशा बिदअत के फतवे देते हैं। अपनी अपनी किस्मत की बात है बिरादर ने मानी। जो भी अहले बैत से मुतमसिक हो गया एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद आले मोहम्मद पर मोहम्मद अब्बास आले मोहम्मद। एक बिल्कुल आहिस्ता वाली सलवात पढ़ दीजिएगा, जो नाश्ता क्योंकि अभी किया नहीं है ना इस वजह से बहुत आहिस्ता वाली सलवात जो पड़ोसी भी ना सुन सके। इमाम फरमाते हैं जब आले मोहम्मद का नाम आए उससे बड़ा और कंजूस क्या हो सकता है, जब आले मोहम्मद का नाम आए वो सलवात भी ना पढ़ सके। अल्लाह सल्ले अला। ये आपको शरफ हासिल है बिरादरान ईमानी। अभी मैं क्या कह रहा था कि महाफिज और होता है हाफिज और होता है। पुतिन ने जाकर नुस्खे कुरान देकर बात तो बता दिया कि महाफिज और है हाफिज और है। कायनात के इमाम में और ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है लोगों के इमाम में। कायनात का इमाम और होता है लोगों का इमाम और होता है। और जब लोगों का इमाम ज़मीन पे कदम रखता है, अभी मैं जुमला कह रहा था, उसकी मंजिलत कुछ और होती है। लेकिन जब अमीर कायनात दुनिया में कदम रखता है तो उसकी मंजिलत कुछ और होती है। जब लोगों के इमाम ज़मीन पे कदम रखते हैं तो ज़मीनें पाक नहीं होती नजिस हो जाती हैं। लेकिन जब अमीर कायनात ज़मीन पे कदम रखता है अगर मदीने में आ जाए तो मदीने को मुनव्वरा बना दे, मक्के में आ जाए तो मक्के को मुअज़्ज़मा बना दे, नजफ में आ जाए तो नजफ को अशरफ बना दे, और अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो नजफ इंदौगी पूरा। सलावत पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई नसीम भाई आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला लुत्फ आएगा। कल 1400 बरस पहले भरपूर तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं मिंबर पे आके ये नहीं पढ़ता कि अली आया अली चला गया अली आया अली चला गया। अबे तू क्या है अली क्या है? तूने अली की अजमत को नहीं पहचाना और अली को बिल्कुल इतना छुड़वैया बता दिया कोई एहतराम ही नहीं रहा। अली का एहतराम अस्तग़फिरुल्लाह वुज़ू लेकर नाम लेना चाहिए। लेकिन हमारे मिंबरों से क्या होता? अली आया अली चला गया, ये हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं संभाली अपने किरदार को। अरे ये वो हस्तियां हैं जिस जमीन पे कदम रख दे वो जमीन पाको पाकीज़ा हो जाए। कल 1400 बरस पहले इमाम हुसैन ने जमीन करबला पे एक आवाज बुलंद की कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाना चाहिए, मुझे हिंदुस्तान जाने दो,
कल हुसैन ने आवाज को बुलंद किया, अली ने नजफ़े हिंद जो कि पुराने के बाद साबित कर दिया, कल भी हिंदुस्तान लायक़े एहतराम था, आज भी। जब भी लगाया करें दोनों हाथ बुलंद करके लगाया करें, इसलिए अज़ीज़ाने मोहतरम हमारे दोनों हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में अहले बैत दर्द का मवद्दत का जाम। हैदरी तुमने कितने जुल्म ढाए अज़ीज़ाने मोहतरम, कितने जुल्म ढाए। कभी देखिए एक बात और कहता चलूं, अच्छा नाम रखने से अच्छी बात नहीं बनती। अच्छा नाम रखने से पड़ोसी मुल्क का देखे कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है पाकिस्तान, और जुल्म कितने हो रहे हैं, जुल्म कितने हो रहे हैं। अच्छा नाम रखने से कुछ नहीं होता, अच्छे किरदार से होता है, अच्छे किरदार से होता है अज़ीज़ाने मोहतरम। इसीलिए तुम मारते मारते थक जाओगे, अली वाले करबला जाते जाते अपनी जाने कुर्बान कर। कितने मर गए, अल्लाह सलामत रखे अज़ीज़ाने मोहतरम। अपनी तरफ से नारा वारा नहीं है हमारा, कुछ लोगों को ये चिड़े नारा क्यों लगता है, अरे नारा यूं लगता है कि हम पाक हैं, हम जिंदा हैं, और जो जिंदा कौम होती है वही तो नारा लगाती है। आप सच बताइए जो मुर्दा है उनके यहाँ नारा लगता है, बल्कि हमारा तो मुर्दा भी मुर्दा नहीं रहता, वो भी नारा लगाता है, इस्मा इफ़हम सुन और समझ, नारे हैदरी पर यही नारा है। अज़ीज़ाने गिरामी आदम ने लगाया, इब्राहिम ने लगाया, मूसा ने लगाया, याकूब ने लगाया, तौरात ने लगाया, हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, क्योंकि जहां भी देखा अली नजर आया, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। आप देख लीजिए ना यार, आपको हर जगह अली नजर आएंगे। आप फिर हमारा मुकाबला के बस अली को बढ़ाते हैं, अली को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोई बात नहीं है, जो खुद ही बढ़ावा हो, जो खुद ही बढ़ावा हो वो घटने का वाला नहीं, जो इतना खुद ही आला हो, जिसको परवरदिगार आलम ने खुद अली बनाकर भेजा हो, जो खुद ही इतना आला हो उसे अली बनाकर भेजा है, बिरादरी नहीं मानी। हम अपनी तरफ से बढ़ाने और घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो रहे, जो उनका काम है वो करते रहेंगे। एक बाबा अमरीन से बात पढ़ गए मोहम्मद आलम, वैज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात, अल्लाह ने कलिमात के जरिए इब्राहिम को इम्तहान में कामयाब किया और इब्राहिम अपने इम्तहान में कामयाब उतरे। परवरदिगार आलम ने कहा हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया है, इसका मतलब यह हुआ कि इब्राहिम की हद मौन है, लेकिन अमीर कायनात के लिए कोई नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिला कि आपके लिए कहो अबू तालिब तुम्हारी बस हद ये है। नहीं, अमीर कायनात और है, लोगों का इमाम और है। जब लोगों का इमाम किसी वादी से गुजरता है तो बिरादरान ने मानी, हमने चूटियों के सरदार को यही कहते हुए सुना कि सब अपने अपने बिलों के अंदर चले जाओ, लेकिन जैसे ही अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब गाली वाला कुल्ले गालिब फातह खैबर खंदक असदुल्लाहुल गालिब बाब मदीनतुल इल्म वालियुन बाबोहा नादे अलियन मजहरल अजायब मन कुंतो मौला हो फहादा अलियुन मौला वालिये दो जहां वारिसे इल्मे लदुन्नी वारिसे आदम वारिसे इब्राहिम वारिसे मूसा वारिसे ईसा वारिसे याकूब वारिसे मकाउ मदीना। बस एक मरतबा जब उस वादी से गुजरता हुआ नजर आया तो चूतियों का सरदार कहता है कि सब अपने अपने बिलों से बाहर निकल आओ, अब अमीर कायनात आ रहा है, जिसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अब वो हंसी आ रही है कि जिसको देखकर आदम की भी ज्यारत हो जाएगी, इब्राहिम की भी ज्यारत हो जाएगी, मूसा की भी ज्यारत हो जाएगी, खुद पैगंबर की ज्यारत हो जाएगी।
अजीजाने गिरामी, जब सारी की सारी चूठियाँ बाहर आ जाती हैं, तो हमने तो सुलेमान की तारीख में पढ़ा था, जब सुलेमान अपने लश्कर के साथ इसी वादी से गुजर रहे थे तो चूठियों के सरदार ने कहा था सब अपने अपने बिलों में चले जाओ। तो सुलेमान ने कहा था क्यों चले जाओ? कहा या नबी अल्लाह, तुम और तुम्हारा लश्कर आ रहा है। कहा वो क्यों, फिर तुम डरे क्यों? कहा या नबी अल्लाह, आपके लश्कर में कुछ ऐसे हैं जिससे डर लग रहा है, कहीं वो हमें कुचल न डाले। सुलेमान ने कहा तुझे हम पे यकीन नहीं? कहा तुम पे तो यकीन है, लेकिन ये जो साथ हैं, हाय 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 हाय, ऐसे बात नहीं चला गया जिदाने मोहतरम, घुट घुट के नहीं। कहा कि तुम पे तो यकीन है, लेकिन इन पड़ोसियों पे कोई यकीन नहीं। कहा तुझे हम पे यकीन? कहा पूरा। कहा तेरी बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं। जनाबे सुलेमान ने चूठे को हाथ पे रखा, हाथ पे रखने के बाद में कहा बता, अच्छा इस वक्त तू अफजल है कि मैं अफजल हूँ? कहा या नबी अल्लाह, इस वक्त तो मैं ही अफजल हूँ, इस वक्त तो मैं ही अफजल हूँ। कहा वो कैसे? कहा या नबी अल्लाह, गुस्ताखी माफ, मेरे कदम कहाँ पे हैं? हाय 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 हाय, का मेरे कदम, का मेरे हाथ पे, का आपके कदम, का तख्त पे, का तख्त के कदम, का हवा की जिनों की दोष पे, का जिनों के कदम हवा की दोष पे, का या नबी अल्लाह बताओ मैं अफजल, हाय हाय हाय, का बताओ मैं अफजल या तू अफजल? का नबी कहते भाई इस वक्त तो तू ही अफजल है, भाई इस वक्त तो तू ही अफजल है। कहा बस या नबी अल्लाह, मेरे कदमों को देखो, मेरे कदमों को देखो। अरे जब एक नाचीज के कदम अगर पैगंबर सुलेमान के हाथों पे आ जाए तो वो फाख्र करने लगे, अगर हम अली के कदम, दोनों हाथ बुलंद कर गए, अल्लाह सलामत रखे अजीजाने मोहतरम। अब एक ऐसा नारा लगाओ जो आपका नारा नजफ से अशरफ से होता हुआ, गुंबद खिजरा से गुजरता हुआ, इमाम हुसैन के रोजे पे जाके रुके और पूरे आलमीन की शियत, पूरे आलम शियत के लिए हिफ्ज़ो अमान का जामिन बन जाए। हमारी मजलिसों में आओ भूखड़ो, ए भूखो
हमारी मजलिसों में तो आके बैठो, दोनों रिस्क मिलते हैं, रूहानी भी मिलता है और जिस्मानी भी मिलता है। जो भूखा ही हो, जिसकी जिंदगी भूखों में गुजरी हो, वो तो बिदत के फतवे देगा। इतना क्यों खर्च कर रहे हैं तबर्रुक के हुसैन पे? अबे बेवकूफ, मौला दे रहा है, हम लुटा रहे हैं। तुम इसी पे एतराज करने पे लगे हुए हो, क्यों इतना खर्च कर रहे हो? और बाज बाज तो ऐसे भी बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह एक मजलिस बर्पा कराऊंगा, उनकी इतनी इंशाल्लाह तूलानी होती है, बेचारों को मजलिस ही नसीब नहीं होती। बाज बाज ऐसे भी लोग हैं जीजाने मोहतरम, ये देखिए रेफरेंडम में सहाबियत के खिलाफ, ये लाखों के मजमे, ये जो कि पूरा की सरजमीन पर, इधर विशाल मेहदी भाई ने, सिक्रेटरी साहब ने पोस्टर छाई किया, सब परवाने अपनी शमा की तरफ बढ़ने लगे। वो दुनिया की शमा है जो अपने परवाने को जला देती है, ये हुसैन की शमा है जो अपने परवाने की खुद हिफाजत करती है, खुद अपने परवाने की हिफाजत करती है। अजीजाने मोहतरम, दूर दराज से आए हुए लोग, मेरी पूरी कौम अल्लाह सलामत रखे, इस कमेटी को अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा इंतजाम। और देखिए अजीजाने गिरामी, इंतजाम उनका नहीं है, जो इमाम जमाना का सिपाही है वो सबके लिए जरूरी है, वो सबका इंतजाम है। जोगीपुरा जो एक कमेटी का नाम नहीं है बल्कि एक मरकज का नाम है, इसमें सब और हमारे और आपके लिए सबके लिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसी नागुफ्ता बे चीज हो रही है तो उसके ऊपर हर एक इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है उसकी खुल्लम खुल्ला जाकर मुखालिफत करें। ये जरूरी नहीं है, अगर कोई चीज आप देख रहे हैं तो आपके ऊपर वाजिब है, आप नहीं अलिल मुनकर कीजिए। बिरादरान ईमानी, आप दूर दराज से आए मजलिस के लिए, सब ने अपने अपने सामान बांधना शुरू कर दिए। आप सच बताइए, जब आप लौट कर जाएंगे तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे रह गए, जो घर में कोई बीवी रह गई है, तो फौरन वो पूछेगी मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए, मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए। लेकिन हाँ आजादारो, एक ऐसा ही लुटा हुआ काफिला और तैयारी कर रहा था, जो एक मदीने में एक बीमार सुगरा को छोड़कर आया था। हाय आजादारो, मुझसे कहा गया कि मौलाना अभी तक दिल खोल कर नहीं रो सके, आज चौथा दिन भी गुजर गया, आज ऐसा रुला दीजिए कि हाँ हमें एहसास हो कि हम मजलिस में बैठे हुए हैं। आजादारो, आपको मालूम है ना, हर एक बहन भाई की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई जवान हो। अभी अभी आपने मौलाना से मजलिस में पूरे मसाइब अली अकबर सुने, आपने सुना जिसका जवान भाई हो उसकी बहन यही ख्वाहिश करती है कि मेरे नौजवान भाई के सर पे सेहरा बंधे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी देर के लिए मदीने में आ जाइए। जब ये सारा काफिला चलने की तैयारी में लगा हुआ था तो एक मर्तबा रिवायत बताती है, एक बहन कभी दरवाजे पे जाती है, कभी दरवाजे के बाहर आ जाती है, सबको अपने चेहरों में देख रही है, नज़रों से देख रही है। एक मर्तबा अली अकबर के करीब आई, आने के बाद में कहा, भैया मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा अकबर सुगरा को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन भैया अब मुझे यकीन हो रहा है कि मुझे कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आवाजें गिरिया बुलंद हो गई, आजादारो आप घर लौट रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सच बताइए आजादारो, किसी की अगर छोटी बच्ची हो और वो खुदा ना खास्ते सफर में मर जाए और उसकी ये तमन्ना हो कि मैं वतन कैसे पहुंचूं, और जब वो उनके परिंदों को देखे तो अपनी फूफी से सवाल करे, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ उड़ के लिए जा रहे हैं, तो फूफी अम्मा कह सकीना ये अपने अपने आशियानों में जा रहे, कहा फूफी अम्मा मुझे मदीना कब नसीब। आजादारों घुट घुट के रोना नहीं है,
अपनी कौम को सलामत रखे। थोड़ी सी देर के लिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश कि थोड़ी सी देर के लिए अपने बच्चों की तरफ ना देखे, उस उजुड़ी हुई रबाब का ख्याल करे। अरे जिसका करबला में सुहाग उजड़ गया और शाम में उसकी छोटी बच्ची। आजादारो चौथा इमाम, मजलिस बरपा हो रही है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आजादारो जब रो तो सिर पीट के रोना इसलिए कि उसकी मजलिस में बैठे हुए हो जहां पर तीन बीवियां आई हुई हैं, जहां पर तीन बीवियां आई हुई हैं, एक जवान है, एक ज़ईफ़ा है और एक इतनी सी बच्ची है। जो बच्ची है वो पहलू में अपनी फूफी का रिदा का दामन हिला के कहती है, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेते हैं और रोते हैं। तो ज़ैनब कहती है, सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार। का फूफी अम्मा, काश ये कल करबला में होते तो मेरे तमाचे ना लगते। सिर पीटो आज़ादारो, काश ये करबला में होते तो मेरे कानों के गोशवारे ना छीनते। फूफी अम्मा, क्या मैं इन लोगों के लिए दुआ करूं? तो ज़ैनब कहती है, बच्ची दुआ कर। तो सकीना हाथों को उठा के दुआ कर, परवरदिगार इनकी माँ की गोदियाँ आबाद रहे, ये ऐसे न उजड़े जैसे करबला में मेरी माँ। जैसे करबला में मेरी मां रबाब उजड़ गई। आज़ादारो हुक्मे रिहाई मिला, सैयदे सज्जाद चाहे यहाँ रहो चाहे मदीना चले जाओ। ज़ैनबे कुबरा की नज़र सैयदे सज्जाद के चेहरे पर पड़ी। कहा बेटा सैयदे सज्जाद, खैरियत तो है, अब तेरी हाथों की हथकड़ियाँ कहाँ चली गई, पाँव की बेड़ियाँ कहाँ चली गई? कहा फूफी अम्मा, हुक्मे रिहाई मिल गया। कहा तेरी ज़ैनब ऐसे मदीने ना जाएगी, पहले मुझे घर खाली कराया जाए, मेरा लुटा हुआ सामान वापस कराया जाए और मेरे बच्चों का सामान, मेरे बच्चों के असासे सब एक घर खाली कराया गया, चंद बीवियों को बिठाया गया, लुटा हुआ सामान आना शुरू हुआ, कटे हुए सर आना शुरू हुए। कभी अब्बास का सर आया, कभी अली अकबर का सर आया, कभी आया सादारो कासिम का सर आया, जैसे ही दो सर आए। जैसे ही दो सर आए, कोई बीवी अपनी जगह से ना उठी। एक शाम की औरत खड़े होकर कहती है, अरे क्या इन बच्चों की मां मर गई है? इतना सुनना था ज़ैनब ने सर पीट लिया, ए बीवी ये तूने क्या कह दिया? अरे इनकी मां। अरे इनकी माँ ज़ैनब जिंदा है, अरे तूने इंसाफ ना किया, बता मैं किस किस का मातम करूँ? अली अकबर का मातम करूँ, कासिम का मातम करूँ, अब्बास का मातम करूँ, मैं हुसैन का मातम करूँ? हाय आज़ादारो, दोनों बच्चे भी सरों को ले लिया। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी, एक मर्तबा एक छोटी सी चादर जिसके गोशवारे एक कोने में बंधे हुए थे, एक चादर आई। मारा बाब आगे बढ़ी, चादर को लिया, आंखों से लगा, ए सकीना। वो चादर को लिया, चादर को लेने के बाद आंखों से लगाया। शाम के खेत गाने से वो बीवी बाहर चली, एक कोने की तरफ बढ़ रही थी। ज़ैनब ने देखा, भाभी किधर जा रही हो? कहा ज़ैनब मेरी बच्ची सकीना, अरे जो रोजाना कहा करती थी
मुझे मदीना। मुझे मदीना कब बस पड़ चुका आजादारो। अल्लाह के बच्चों को सलामत रखे, आपको वतन जाना नसीब करे। अरे मसाहिब हो चुके, अरे जो बीबी दुआ मांगना चाहती है वो मांग ले, क्योंकि एक माँ जो एक चले हुए कुर्ते के दामन को फैलाए हुए बस सकीना की चादर को लिया। चादर लेने के बाद सकीना की छोटी हुई छोटी सी कब्र के करीब जाकर रबाब ने चादर को खोला। चादर का खोलना था, दो गोशवारे निकले। हाय सकीना, हाय सकीना, गोश